हेलो एंड वेलकम, मैं विवान हूं। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। टॉप स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि बॉलीवुड के कौन से सेलेब ने उड़ाया SRK सलमान के हग का मजाक और बताया इसे एक पब्लिसिटी स्टंट। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरी जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज। SRK और सलमान के हग का किस्सा उनके फैंस को ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के सेलेब्स को भी करता है काफी एंटरटेन। इसलिए रिसेंटली हेल्ड हुए एक अवार्ड्स नाइट पर बॉलीवुड के ऐसे ही दो फेमस एक्टर्स ने बनाया इन दोनों सुपरस्टार्स के हग का मजाक और हिंट किया इस एक्ट को एक पब्लिसिटी स्टंट। कौन थे ये और कैसे उड़ाया इन्होंने SRK सलमान के मच टॉक्ड अबाउट हग का मजाक? लेट्स फाइंड आउट नाउ टॉप स्टोरी। SRK और सलमान की राइवलरी की न्यूज हो गई है अब पासे, क्योंकि उनकी न्यू ग्रोइंग फ्रेंडशिप की खबरें अब बनाती हैं ज्यादा हेडलाइंस। इस तरह कई इवेंट्स पर एक दूसरे को हग करके अपने फैंस को सरप्राइज करना तो लगता है अब इनके लिए हो गई है एक हॉबी। बट सलमान और SRK की इस हॉबी का मजाक उड़ाया रिसेंटली दो बॉलीवुड सेलेब्स ने। वेल यस, मुंबई में रखी गई एक अवार्ड्स नाइट जहां स्टेज पर आए अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख ने छेड़ा इनके हक का ऐसा तराना कि वहां बैठी ऑडियंस हंस हंस के लोटपोट हो गई। वेल यस, अभिषेक और रितेश ने कहा कि इन दोनों सुपरस्टार्स के हग ने इनकी रिस्पेक्टिव फिल्मों से ज्यादा बस क्रिएट कर दिया। और रामलीला के गाने भाई भाई पर इन्होंने तानों की कमान कसी। साथ ही बातों ही बातों में ये भी हिंट किया कि ये हग तो महज पब्लिसिटी स्टंट लगते हैं। अब अभिषेक और रितेश के इस मजाक के पीछे कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ एक मजाक ही था, वेल ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक काउंटडाउन का जय हो कर रहे हैं सलमान खान। वेल जय हो भले ही बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम का परचम नहीं लहरा पाई है, लेकिन फिर भी सलमान इसको हिट कराने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। After Jai Ho became tax-free in UP, Salman got another good news this week. After UP, Jai Ho has been made tax-free in Gujarat as well. Sources से पता चला है कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय हो पर लगने वाले एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म करने की मंजूरी दे दी है। एक और बात जो निकल कर सामने आ रही है वो है सलमान खान के पॉलिटिकल कनेक्शंस। पहले सैफई में परफॉर्म करने के बाद UP में जय हो के टैक्स फ्री होना एंड देन व्हेन ही रियली अप्रिशिएटेड गुजरात CM एंड हिज एफर्ट्स फॉर द स्टेट, इवन इन गुजरात द फिल्म बिकेम टैक्स फ्री। Certainly raises a lot of eyebrows and questions whether this is a political favor or not. जय हो का टैक्स फ्री होना सलमान की ऑडियंसिस के लिए एक और मौका है जहां वो अपने मेगा स्टार को हमेशा की तरह एक और बार हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं। For now, सलमान किक स्टार्ट्स द काउंटडाउन ऑन नंबर 10। I cannot come back to a person who questions me and says ऐसे कैसे होता है, how can you hug him and romance him and how can you wear this? Even if he's from the industry, I can, the people from the industry are jealous as well. Right? I want to be very famous. I want to do very well. I want to be a big star one day. Yeah. I want to earn lots of money. Wow. At least our job in that film should not be, I didn't like, I was not convinced by this boy. Right. Because they have another boy to see next Friday. Hi Parineeti, hi Siddharth, welcome to our show. Hi. Hello. You know, Karan Johar says that we cannot categorize this film in any genre like a rom-com because there's so many layers to it. Tell us about it, Parineeti. It's true. I think it'll be wrong to say it's completely not a rom-com because it's not anything else. We really have to put it into a genre. But it's not a regular rom-com, that's for sure. Because normally in rom-coms, there's a girl and a boy and they meet and there's a problem and then they come a together resolution. In the end, you know. But in this, the characters that the both of us are playing are not normal rom-com characters. Right. Like, I'm not playing a usual either enthusiastic girl or a shy girl or, you know, for him. I'm actually mentally a little off. Well, she's not mentally challenged, but she has a defect. So she has a little problem, which is why she acts a little weird. You'll understand in the film why. Yeah. But because of that and...
the stories between such people. I mean, he's in a very depressed state of mind in life, low in life, and when these kind of people meet and fall in love, it cannot strange be chemistry. It cannot be a usual rom-com. Yeah. I think that is why he was saying it, but it's an interesting film. There's a song called Drama Queen in the film. Yeah. Is she really a drama queen? Tell us about that. Actually, the actual drama queen on set is Vinil Matthew, the director. Oh, really? But as far as she's concerned, I don't think she's much of a drama queen on set. I think she's quite lively and happy on set. You never see her on a low or a sad day, which is great for a film like this, especially where everybody has to be on an upper. You need the energy. You need the energy. She gives it, and she gives it all every day, which is great. And especially for me as a co-star, I think it's always good to have somebody who you can throw off stuff and improvise and, you know, back and forth. And you'll see that, I think, in the film. Okay, how is he really to work with? You know, he comes across as fairly quiet and reserved. Is he really that way? He's lovely. He's, obviously on the superficial level, you'll say, oh, sir, he's very quiet. And that's the end of it. But that's not true at all. In fact, he's a very intelligent guy. He knows what he says. He really knows his craft. He knows things about films, about life. Generally, he's a very well brought up, well spoken, very chivalrous guy, actually. Yeah. But you know, the fact that she has done some very good work, Siddharth, and she's won awards, she's won accolades for the kind of work she's done. Did she come more prepared? Did you ever feel like I'm working with a senior? I mean, though it's not like she's that many films old yet, you know? I think the set was very young, set was very casual. We had to, as I said, the film is about these two characters. So, on the first day of rehearsal only, I think we cracked up. When we were rehearsing, like how you put two chairs and socha ki gaadi hai. And I said, hum log ek camera laga hua tha, Vinil was there, and we were pretending that we were driving a car, and we started doing a scene. So, in that scene only, we had to keep quiet, we had to improvise, or we did. Yeah. And how we cracked up, and Vinil liked that, and he liked improvising. So, I think from there only, we got the vibe that what makes each of us, you know, give and take, what's her style, what's my style. You know, इस वीक काउंटडाउन नंबर 8 पर है अनुराग कश्यप का ये इंकार कि कैटरीना कैफ नेवर टर्न्ड अप ऑन द सेट्स ऑफ बॉम्बे वेलवेट। She was never there on the set of Bombay Velvet. She was never there on the set of Bombay Velvet. अनुराग इस बात से पूरी तरह अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कैटरीना और रणवीर फिल्म बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग के समय श्रीलंका में एक साथ मौजूद थे। Bombay Velvet was also in a lot of news because the fact that Katrina was a lot of in the sets of Bombay Velvet. There was always news about Katrina coming to. I never saw her on the set of the Bombay Velvet. Really? Yeah. So apparently, she was apparently waiting after the shoot. You never saw her there. She was never there on the set of Bombay. जबकि sources की माने तो रणबीर and Katrina Sri Lanka में साथ थे. Either Anurag is trying to play smart, or he has been fooled by his actor about Katrina's presence. वहीं ये pictures किसी और ही तरफ इशारा कर रही हैं. Anurag, हम आपको बता दें कि Katrina और रणबीर की ये pictures Sri Lanka की ही हैं, जब रणबीर आपकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. ऐसे में आपको इस बात की जानकारी नहीं कि Katrina यहाँ मौजूद भी थी या नहीं. This sounds a bit interesting. She was never there on the set of Bombay. She was never there on the set of Bombay Velvet. Anurag, चलिए आपकी इन बातों को मान लेते हैं. Maybe Ranbir and Katrina plan not to share this news with you and kept it a secret. But for now, you have surely created a buzz on number 8. सलमान खान और उनकी फिल्म जय हो भले ही पॉलिटिकल सोशल रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में फंसी हो और सलमान ने हर मौके पर अपनी फिल्म को इन कंट्रोवर्सीज में फंसते देख इसे डिफेंड करने की हर एक मुमकिन कोशिश की हो लेकिन बात करें उनके भाई अरबाज खान की तो लगता है ही इजंट इंटरेस्टेड इन एनी कंट्रोवर्सी अटैच्ड टू हिज ब्रदर्स फिल्म तभी तो रिसेंटली जब जूम ने उनसे जय हो से जुड़ी तमाम कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा तो अरबाज बूम छोड़कर कैमरे से ही हट गए लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सलमान जो नरेंद्र मोदी से मिलने गए वो कहीं ना कहीं लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सलमान जो नरेंद्र मोदी से मिलने गए वो कहीं ना कहीं रहते हाँ लेकिन इतना जरूर है कि भाई की ही तरह अरबाज ने माना कि जय हो की कलेक्शंस एज एक्सपेक्टेड नहीं रहे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एंड देखो मैंने तो बहुत की थी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु रियली रियली अप्रिशिएटेड द फिल्म प्रोबेबली थोड़े एक्सपेक्टेशन से कहीं वो इट हैज नॉट गॉन बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन बट Overall, it has still been, it has still done well and it has been appreciated. And don't really know the exact reason that why it has not done जो एक्सपेक्टेशन है बट देयर इज ऑलवेज अनदर टाइम तो कुछ इस तरह अरबाज ने हमारे काउंटडाउन पर क्रिएट किया बस ऑन नंबर 7 प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का पर आप कहीं मत जाएगा एज आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट We'll be right back.
Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर. अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी फिल्म्स की वजह से नहीं, इनफैक्ट क्रिकेट की वजह से ज्यादा चर्चे में हैं, एज शी इज रूमर्ड टू बी डेटिंग क्रिकेटर विराट कोहली. दो शी हैज बीन डिनाइंग ऑल सच रिपोर्ट्स, लेकिन एज पर सोर्सेज एंड एज पर दिस पिक्चर, अनुष्का वाज सीन वॉकिंग हैंड इन हैंड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूजीलैंड. विराट कोहली इज इन न्यूजीलैंड फॉर अ टेस्ट सीरीज टिल Feb 18 एंड द कपल वाज स्पॉटेड बाय एन ऑनलुकर. अनुष्का ने भले ही विराट को अपना दोस्त माना है, एक अच्छा इंसान भी माना है, लेकिन जब भी उनसे इन दोनों के अफेयर के बारे में पूछा जाए तो जवाब सिर्फ और सिर्फ ना ही आता है. लेकिन पिक्चर्स के बाद इस कहानी की गुत्थी साफ दिखाई दे रही है, जहां दोनों हाथ में हाथ डाले चले जा रहे हैं और कुछ इस तरह इन दोनों की इस तरह साथ क्लिक होने की पिक्चर ने क्रिएट किया बाज ऑन नंबर 6. वीक के काउंटडाउन को मिडवे ब्लॉक किया है सलमान खान ने. वैसे सलमान डजंट नीड अ न्यूज़ टू क्रिएट अ न्यूज़, बट दिस वन श्योरली इंटरेस्टिंग, क्योंकि रिपोर्टेडली इंडिया आए एक बड़े सेलिब्रिटी ने सलमान खान का मेहमान बनने से किया था इनकार. बेकार चला गया उस इंटरनेशनल स्टार से मिलने के लिए सलमान का इंतजार. सलमान के साथ वक्त बिताने का इनविटेशन छोड़कर इस स्टार ने पसंद किया चैरिटी रिलेटेड इवेंट में जाना. मुंबई में कुछ और लोगों के साथ भी पार्टी करते नजर आया वो इंटरनेशनल स्टार. सोर्सेस से सुनने में आया है कि रिसेंटली इंडिया आए एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी रॉनी कोलमैन से मिलने के लिए सलमान काफी बेकरार थे. वजह ये थी कि रॉनी कोलमैन 8-time वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे हैं. 1998 से लेकर ईयर 2005 के बीच रॉनी कोलमैन के नाम आया है 8 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल, जो हॉलीवुड सुपरस्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के मुकाबले काफी ज्यादा है. आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने 7 times मिस्टर ओलंपिया टाइटल में अपना नाम करने में कामयाबी हासिल की थी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8 times मिस्टर ओलंपिया का ताज अपने नाम करने वाले रॉनी कोलमैन कितने बड़े इंटरनेशनल सेलेब हैं. इसी वजह से जब अपने एक फ्रेंड के जरिए सलमान को रॉनी के इंडिया आने की खबर मिली तो अपेरेंटली उन्होंने रॉनी से मिलने की अपनी ख्वाहिश बताई, लेकिन रिपोर्टेडली कुछ वजह से रॉनी के शेड्यूल में सलमान खान का शेड्यूल मैच नहीं हो पाया और सलमान रॉनी कोलमैन से नहीं मिल पाए. पर सुनने में आया है कि सलमान रॉनी कोलमैन से मिलने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से रॉनी को लेकर उनके घर आने का इनविटेशन दे दिया. लेकिन रॉनी सलमान से मिलने नहीं गए, बल्कि सलमान से मिलने की बजाय रॉनी मुंबई में फिजिकली चैलेंज्ड बॉडी बिल्डर्स को मोटिवेट करते दिखे. इस वीक के नंबर 4 बस क्रिएटिंग स्टार है रणवीर सिंह, एंड व्हाई इज दैट, सी इट फॉर योरसेल्फ. सोनाक्षी भी बेस्ट मेरे साथ लगती है, सोनाक्षी भी बेस्ट मेरे साथ लगती है. सोनाक्षी के साथ पैर होकर सक्सेसफुल फिल्म्स देने वाले सुपरस्टार्स के लिए ये है रणवीर सिंह का नया चैलेंज. सोनाक्षी भी बेस्ट मेरे साथ लगती है, सोनाक्षी भी बेस्ट मेरे साथ लगती है. अनुष्का शर्मा के साथ जोड़ी बनाने वाले स्टार्स को भी रणवीर सिंह कर रहे हैं चैलेंज. अनुष्का भी बेस्ट लगती है, अनुष्का भी बेस्ट लगती है. और फाइनली लास्ट ईयर खुद को बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस साबित कर चुकी दीपिका से अपनी पेयरिंग को भी रणवीर सिंह ने बता दिया है बेस्ट. दीपिका भी लगती है, दीपिका भी लगती है. ये बड़ी बड़ी बातें हैं, पर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं रणवीर सिंह, क्योंकि वो खुद को मानते हैं बॉलीवुड का नया केमिस्ट्री किंग. केमिस्ट्री किंग मतलब हर सोनाक्षी भी बेस्ट मेरे साथ लगती है, अनुष्का भी बेस्ट लगती है, दीपिका भी लगती है. लेकिन अपनी ही कही हुई बातों को रणवीर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ स्टेटमेंट बताकर अपना पल्ला भी झाड़ सकते हैं. इसलिए चलिए अब आपको भी दिखा दिया जाए कि खुद को केमिस्ट्री किंग बताने का किस्सा रणवीर सिंह ने किस कॉन्टेस्ट में छेड़ा. केमिस्ट्री इज सिंटिलेटिंग और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये पढ़ता हूँ. कुछ ऑनलाइन मैंने पढ़ा था कि the new chemistry king मतलब हर सोनाक्षी भी बेस्ट मेरे साथ लगती है, अनुष्का भी बेस्ट लगती है, दीपिका भी लगती है, अर्जुन भी बेस्ट ही लगेगा देख लेना. यानी कि गुंडे में अर्जुन कपूर के साथ अपनी केमिस्ट्री डिस्क्राइब करते हुए रणवीर सिंह ने खुद को केमिस्ट्री किंग बताया है. और लगता है रणवीर सिंह इसी चक्कर में कुछ ऐसे बह गए कि दीपिका से अपनी पेयरिंग को किंग खान से बेहतर और सोनाक्षी के साथ अपनी जोड़ी को दबंग सलमान और सोनाक्षी की जोड़ी से बेस्ट बता गए और बन गए इस वीक के नंबर 4 बज मेकर. Ruling on number 3 is not Salman, but his lost and found Firoza. Well, yes, reportedly Salman se recently kahin kho gaya unka lucky Firoza. वही लकी फिरोजा जिसके दम पर बॉक्स ऑफिस का किंग बनते आए हैं सलमान खान. सलमान का वही लकी फिरोजा जिसके दीवाने उनके फैंस ही नहीं बल्कि सलमान के जूनियर फैंस भी रहे हैं. सलमान अपना भाई,
ये सलमान खान ने दिया है। अरे आराम से सलमान ने दिया। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि इसको अपने हाथ से अभी कभी भी अलग मत करना। सलमान के जिस फिरोजा के बच्चे भी दीवाने हैं, सुनने में आए हैं कि सलमान का वही फिरोजा पिछले दिनों कहीं खो गया था। सलमान खान के बर्थडे पर उनके पनवेल वाले फार्म हाउस में हुई पार्टी ऑल नाइट तो आपको याद ही होगी। सोर्सेस की माने तो इसी पार्टी के दौरान सलमान के एक दोस्त ने उनके हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि उनके हाथ में हमेशा नजर आने वाला फिरोजा कहाँ चला गया है। फिरोजा घूमने की बात पता चलते ही सलमान के फार्म हाउस में हलचल शुरू हो गयी। सलमान के बॉडीगार्ड्स को फिरोजा ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ सलमान के दौड़ते भागते देखा गया, लेकिन पूरे फार्म हाउस में ढूंढने के बाद भी सलमान के फिरोजा का कहीं पता नहीं चला। रिपोर्टेडली सलमान तो काफी होपलेस भी हो गए थे और उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब शायद ही उनका फिरोजा उन्हें मिलेगा। लेकिन तभी जयहो में सलमान के को-स्टार अश्मित पटेल ने फिरोजा लाकर सलमान के हाथ में दिया। सोर्सेस की माने तो अश्मित को सलमान का फिरोजा फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में मिला था। और कुछ इस तरह सलमान के इस लॉस्ट एंड फाउंड लकी चार्म ने क्रिएट किया इस वीक बज। इस वीक काउंटडाउन नंबर 2 पर है अनुराग कश्यप, एज ही एक्सक्लूसिवली स्पोक टू ज़ूम अबाउट हिज एंड कल्कीज एस्ट्रेंज्ड रिलेशनशिप एंड देयर करंट रिलेशनशिप स्टेटस। पीपल हैव अ सर्टेन वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। आई थिंक एवरीबॉडी लुक्स एट एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड एवरीवन लुक्स एट एवरीथिंग। यहाँ रिलेशनशिप टूट गई तो ऐसा होता वैसा नहीं होता। मेरे और उसके बीच में क्या है या क्या नहीं है वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं और किसी का बिजनेस नहीं है। इतना ही नहीं, अनुराग ने ये भी बताया हाउ हुमा हैज नथिंग टू डू विद दिस इशू। आई हैव लर्न, आई हैव बीन हियर 20 इयर्स टू नो व्हाट टू इग्नोर, बट व्हाट अफेक्ट्स यू इज व्हेन पर्सन इन्वॉल्व गेट्स अफेक्टेड, व्हेन यू से एवरीथिंग देयर इज टू से एंड व्हेन कल्की सेज क्लियरली एंड हुमा सेज क्लियरली एंड आई से थिंग्स क्लियरली, बट पीपल इंसिस्ट ऑन ड्रैगिंग इट ऑन ओनली बिकॉज दे नीड टू सेल एडवर्टाइजिंग स्पेस और दे नीड टू सेल द न्यूज़पेपर। और कुछ इस तरह वो बन गए इस वीकेंड नंबर 2 बज मेकर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन की टॉप स्टॉक की स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया मैक्सिमम बज। वेलकम बैक, नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक नंबर 1 को रूल कर रही हैं कैटरीना कैफ, जूम को दिए अपने इस एक्सक्लूसिव कमेंट की वजह से। सलमान ने सेड दैट, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सलमान का एक काम कैटरीना को इतना इम्प्रेस कर गया है कि उन्होंने तमाम बॉलीवुड स्टार्स को दिया है हमेशा सलमान की रिस्पेक्ट करने का मैसेज। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट सलमान सेज। और सलमान को रिस्पेक्ट करने का मैसेज देने के लिए कैटरीना इसलिए मजबूर हो गई है क्योंकि उन्हें एक बड़ी अवार्ड नाइट में रिसेंटली सलमान से एक और बड़ा फेवर मिला है। जूम ने जब कैटरीना को सलमान से मिली उसी फेवर की याद दिलाई तो देखिए कैटरीना की जुबा पर कैसे आ गई सलमान की तारीफ। रिसेंटली करण ने एक चीज और कही जो सबने नोटिस की कि अगर ऑनेस्टी की बात आती है तो मैं कैटरीना को सबसे नीचे रखूंगा, बट सलमान ने डिफेंड किया कि नो, आपको कैटरीना को ऊपर रखना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट सलमान सेज। दरअसल रिसेंटली एक अवार्ड नाइट को होस्ट करने पहुंचे सलमान ने स्टेज पर करण जौहर के साथ एक सेलिब्रिटी इंटरव्यू का खेल खेला था जिसमें सलमान करण के शो की तरह होस्ट की कुर्सी पर थे और बेचारे करण को देना था सलमान के सवालों का जवाब। इसी बीच सलमान ने कुछ टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम गिनाकर करण को ऑनेस्टी के मीटर पर इन एक्ट्रेसेस को रैंकिंग देनी थी, पर करण ने कैटरीना को ऑनेस्टी के मामले में सबसे पीछे रखा। पर सलमान कैटरीना को ऑनेस्टी के मामले में ज्यादा रैंक देने की वकालत करते रहे। बस इसी बात ने कैटरीना कैफ का दिल जीत लिया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी और बन गई इस वीक की नंबर 1 बज मेकर। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हुई पास और कौन सी हुई फेल, जानिए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पर टुमारो ओनली ऑन बी टुनाइट एट 10 PM ओनली ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। विद दिस इट्स अ रैप। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। टिल देन कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।